हाँ जी, तो आज बात करेंगे उन अकल की चोदियों के बारे में जिन्हें खुद को नहीं पता होता कि वो क्या बोल रही हैं। ऑल मेन आर डॉग्स, आपका बाप भाई होगा कुत्ता, हमारा तो शेर है, फाड़ के रख देगा। उनके माँ बाप को भी यही लगता होगा कि ये क्या बवासीर मैंने पैदा कर दिया, मतलब हमें तो लग रहा था बिटिया रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही है, बट बिटिया तो twitter.com पे भजन मचा रही है। यही वो दीदियाँ होती है ना जो फादर्स डे पर लिखती हैं कि माई डैड इज माई हीरो। यार इतने भी दोगले मत बनो, हम तो लपू झन्ना इंसान है, बेवकूफ है, गधे हैं, इक्वालिटी के बारे में सोचते हैं, चूतिया है हम तो। और पता है इस सिचुएशन में अगर कोई लड़का खुद को डिफेंड करने चला जाए ना तो बोली हाँ तुमने एक्सेप्ट कर लिया, यू आर अ डॉग, दैट्स इट, तुम्हारी जली, अरे ये भोसड़ी वाली। इनका ये सीन होता है ना कि इनका साथ दे दी है 12-13 साल की लड़कियाँ और उन्हें कोई समझ नहीं होती। उनको अगर तुम बोल दो ना कि तुम्हारा बाप चूतिया है तो वो चूतिया ही मान लेंगे। हाँ मेरे पापा चूतिया, मेरे को चूतिया पैदा की है, मेरा बापू चूतिया। मैंने जब ये हैशटैग ट्रेंड होते हुए देखा ना मेरा मुंह उठ गया था ट्विटर से, आंडू पांडू कैसे भी कुछ भी, और इसमें वही पैराग्राफ बेटी जो इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ, किराने की दुकान पे काम करती हैं क्या ये? वोक दीदियों के ना इन्फ्लुएंस में आके चूतिया आप मत करो या नहीं यार, इनसे फोन छीनो यार, इनको फोन कौन दे देता है यार, मेरे को पसंद नहीं है। 13-14 साल के बच्चे हो ना, सुनो रील्स तुम्हारा झेल लेंगे, तुम्हारी वाहियात से फोटोज झेल लेंगे, बट इन चूतिया पे मैं घुसे ना तो गांड मार ली जाएगी तुम्हारी। अपने हैशटैग की बनाओ बत्ती और डालो अपनी गांड में, किसी को फर्क नहीं पड़ता 12-13 साल की निब्बियों के ओपिनियन से। इन दीदियों को ना बस एक ही जवाब दे सकते हैं इंसान, भगतोरी मैया चोदो। लड़कों के बारे में कभी किसी ने सोचा है? लड़कियां तो बता देंगी कि मुझे डिप्रेशन है तो शिम्पा के उनकी गांड चाट लेंगे, पर लड़कों का क्या? वो जाते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बताने यार मेरे को डिप्रेशन हुआ है, उन्हें बस एक शब्द सुनने को मिलता है, जो हुआ सब भूल जा, लौड़ा पकड़ के झूल जा, बस यही सुनने को मिलता है। लड़कों की ना आधी जिंदगी ये कन्विंस करने में निकल जाती है कि भैया सिगरेट नहीं पिया ना तो टट्टी नहीं उतरेगी, पर बियर दारू थोड़ी ना होती है, वो तो फ्रूट जूस है। ब्रेकअप के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये बोलना कि यार प्रिया ने ब्लॉक कर दिया स्वीटी, यार प्लीज इसका अकाउंट का फोटो निकाल के देना मेरे को देखना, एकदम दिल जल रहा है मेरा, ये भी तो करना होता है। आसान है ऐसी जिंदगी? तुम्हें क्या लगता है कि पार्टीज वगैरह के लिए खाली लड़कियां ही भीख मांगती हैं? ना 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 ना, कभी मिडिल क्लास लड़कों से पूछ के देखो, ऐसे ना गांड ऐसे काट के हाथ में ऐसे रख के देना पड़ता है, मम्मी प्लीज जाने दो मेरे को। जी तो कंक्लूजन ये था कि लड़के भी रोते हैं, लड़कों का भी दिल टूटता है, लड़के भी डिप्रेस्ड होते हैं, तो प्लीज इक्वली ट्रीट करो सबको। एंड या आई नो अगर ये वीडियो किसी लड़के ने बनाया होता ना तो उसकी गांड मार ली जाती और मेरी भी मारी जा सकती है। हाँ जी तो आज के लिए इतना ही, और लाइक कमेंट और शेयर कर देना। एंड वन मोर थिंग, लाइक कमेंट शेयर करो ना करो बट हर एक जेंडर को रिस्पेक्ट करो।